ये इसकी की है, और जो सबसे ज़्यादा अनोइंग पार्ट है ना इस कार में वो है ये। ये सबसे अनोइंग पार्ट है, इसको बंद तो कर सकते हैं बट अदरवाइज। तो ये वेन्यू जो 2020 मॉडल है ये वो है, इसको मैं 3 ईयर से चला रहा हूँ। सितंबर में ही ली थी मैंने, और अब तो 3 ईयर से 2 महीने ऊपर हो गए। तो ये इसका स्टेयरिंग व्हील है, चाबी हम लगा लेते हैं। तो ये चीज़ है इसका, ये सेकंड बेस मॉडल है और ये वाला म्यूजिक सिस्टम इसमें आता है। तो मैं फ्रैंकली मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि इसमें ये कीज़ हैं, साइड में बटन्स हैं। मैं तो कहता हूँ कि हर म्यूजिक सिस्टम में टच स्क्रीन वाले में ऐसा आना चाहिए। और इसकी चलो ये डिस्प्ले टच नहीं है, सिर्फ बेसिक है, बट इट परफॉर्म्स रियली वेरी वेल। आपको आईफोन या अपने एंड्रॉयड फ़ोन के साथ में कनेक्टिविटी करनी है कॉलिंग के लिए तो बहुत बढ़िया है। हाँ, इसमें मैप्स वगैरह नहीं चलते बट अदरवाइज ये बटन्स बहुत अच्छे हैं। अगर इसमें ऊपर टच स्क्रीन होता, नीचे बटन्स होते साइड में, तो ये बहुत ही बढ़िया था। और अब जैसे मैं बोलेरो अब मैंने ली है, उसमें और इसमें मेरे को जो बहुत ही ज़्यादा मेजर डिफरेंस लगा वो है इसके स्टेयरिंग व्हील का। वो बोलेरो के मुकाबले में बहुत लाइट है, वो बहुत हार्ड है, और इसका जो गियर है वो भी बहुत अच्छा है। इसमें ये आगे की स्पेस, दिस इज द बेस्ट पार्ट जो मुझे पूरे में लगा अदर देन म्यूजिक सिस्टम। म्यूजिक सिस्टम इसका बेसिक है, उसका टच स्क्रीन है कैनवुड का आफ्टर मार्केट टाइप है, बहुत बेकार है। उसको मैं कुछ टाइम में चेंज करवाऊंगा, अभी नहीं। और इसमें जो ये कंट्रोल्स हैं टेलीफोनी के, आपका वॉल्यूम का और ट्रैक को प्रीवियस और नेक्स्ट करने का, तो ये बहुत अच्छा है। ये काश उसमें भी होता, उसमें सिर्फ कॉलिंग का इस तरफ कॉलिंग है, इधर वॉल्यूम का, इधर म्यूट और इधर सोर्स सिलेक्ट करने का। अगर उसमें भी ऐसे दिया होता तो बहुत अच्छा था। इधर उसमें कंट्रोल्स बाकी हैं, वो फ्रैंकली मुझे अभी पता नहीं है कैसे यूज़ करने। एनीवेज वो उसकी वीडियो में बताऊंगा, ये भी इसकी बात है। और दूसरा इसमें जो क्लस्टर है वो इस तरह का, ऐसे 3 कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जैसे मान लो लाइक एरोप्लेन की तरह, जो इधर साइड में से दिखता नहीं है बिल्कुल भी। तो ये चीज़ मुझे शुरू से पसंद नहीं थी, बट यूज टू में ज़रूर हो गया इसमें, पर पसंद मुझे शुरू से ही नहीं था इसमें। और इसमें साइड में ये कंट्रोल्स हैं चारों विंडो के, जो बुलेरो में नहीं है। तो इस तरह से बात है। और इसका ये मिरर जो है पीछे देखने वाला, दिस इज ऑल्सो क्वाइट गुड, काफ़ी लार्ज है। एंड ये मेरे सीट कवर इसमें डलवाए थे, वो हैं। अभी रात का टाइम है, 9 बज रहे हैं, तो मैं अब 9 बजे रात को वीडियो बना रहा हूँ। अंधेरा है बाहर, खैर लाइट्स हैं ऑन, एनी हाउ। तो इसमें ये चीज़ बहुत पसंद आई है मुझे, और बाकी तो सब चीज़ ठीक है। इसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। आपके ऐसे यहाँ पे कप होल्डर्स हैं, ये बीच में बॉक्स है, बॉक्स सीरियली बहुत कन्वीनियंट है। इवन इसका जो ग्लव बॉक्स है वो भी काफ़ी अच्छा है, कोल्ड वाला है। आज तक मुझे कोल्ड वाले का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया, 0 फायदा मुझे नज़र आया, वर्क भी नहीं करता प्रॉपरली जैसा एडवर्टाइज किया जाता है। इसमें यहाँ पे कुछ स्पेस है, ये भी बहुत अच्छी है। एंड बेसिकली ये चीज़ें हैं, मैं गाड़ी ऑन कर लेता हूँ। और जो चीज़ बहुत अच्छी इसमें है वो है इसका इंजन। इंजन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई 3 ईयर्स में, एक बार भी दिक्कत नहीं आई। इसकी प्रॉपर सर्विस होती रही है, और बल्कि एक बार तो मैं सर्विस करानी भूल गया था, तो इसमें कोई इशू नहीं आया कभी भी, एक बार भी कहीं बंद नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक बार एक इशू आया था, वो था इसमें इंजन लाइट ऑन हुई थी, तो इंजन उस समय थोड़ा सा घबरा गया कि भाई क्या बात हुई। तो मैं इसको सर्विस सेंटर लेके गया था पंचकुला में, एंड जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि कहीं से पेट्रोल जो इसमें डला था, मेरे पास पेट्रोल वाली थी, तो वो थोड़ा इम्प्योर था, उसमें कुछ गंदगी थी, उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो उन्होंने वो एरर को क्लियर कर दिया और उसके बाद सही रहा। तो ये आप ये देखो कि पेट्रोल पंप वाले जो हैं वो हेरा फेरी तो करते हैं, तो उसके बारे में क्या, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, हमें पता कैसे लगेगा। तो अगर कोई बाई चांस कोई देख रहा है पेट्रोल पंप वाला, तो ये चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए। बाकी इंजन बेस्ट है, कोई इशू नहीं है, 0। अच्छा, जैसे इस गाड़ी में ना सारा ब्लैक और सिल्वर इंटीरियर है, जैसे आप ये देख ही रहे हो, तो इसकी जो सीट्स भी थी वो ब्लैक थी, बट मैंने इसमें भी ये टैन लेदर लगवाया हुआ है। बाकी सारा इसका इंटीरियर ये है, और जो रूफ है वो इस कलर की है, तो मुझे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है।
काफी बढ़िया रहा है ये, बल्कि अच्छा इसका इंटीरियर है, ब्लैक और सिल्वर का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। इवन जो स्विफ्ट थी मेरे पास पहले, उसमें भी ऐसे ही था, एंड आई थिंक ये अभी भी मारुति वगैरह में ऐसे ही आ रहा है, तो अच्छा है। तो बात अगर चली रही है इंटीरियर्स की और जो सीट कवर्स हैं उसकी, तो ये वरना जो 2024 मॉडल है ना, ये वो है मेरे पास अभी यही है। तो इसके जो इंटीरियर है वो ऐसे क्रीम बेज वाइट जो भी है ये कलर एग्जैक्टली ये ऐसे आने लगा है। तो अब इसमें जैसे 6 एयर बैग्स आते हैं तो इसमें सीट कवर्स भी नहीं प्रॉपर डलते, उसकी वजह से देखो ऐसे गंदा भी होता है ये। तो इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, जितना मर्जी क्लीन कर लो फिर भी ऐसे रहेगा, गीले कपड़े से करो फिर भी वैसे ही रहेगा। इसके साइड मिरर्स भी काफ़ी बड़े हैं, कमी गाड़ियों में ऐसा होता है इस तरह की जो है, एंड आगे बैठ के प्रॉपर पूरा व्यू आपको बोनेट का भी प्रॉपरली सारा आ जाता है। अब वेन्यू 2020 के पीछे वाली सीट और उसका देख लेते हैं। इसमें रूफ लाइट तो है, बट ये बहुत पीछे को है, पीछे से बैठ के करने वाले जो यूज़ उनके लिए तो ठीक है, अदरवाइज पीछे दिक्कत है। और यहाँ पे आगे को नहीं है, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, दिस इज़ अ बैड थिंग अबाउट दिस मॉडल। एंड ये पिछले की सीट से, और इसमें क्या है, यहाँ पे नीचे इस तरह से ये बने हुए हैं एसी वेंट्स बने हुए हैं यहाँ पे ये, और चार्जिंग पोर्ट भी है, ये एसी वेंट्स भी है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। इसकी डिग्गी भी अच्छा साइज है, ये बात है इसकी। अब मैं आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ इसके बारे में। देखो इस गाड़ी पे मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई है मुझे किसी भी तरीके से। तो मैं इसको 3 ईयर्स से, जैसे मैंने आपको बताया, मैं यूज़ कर ही रहा हूँ और मुझे कोई इशू नहीं हुआ आज तक कभी भी, इट इज़ परफेक्टली फाइन। जो दिक्कतें मैंने, जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है। एक कंफर्टेबल कार है वेन्यू, मैं तो बल्कि रिकमेंड करूँगा अगर किसी ने ना स्विफ्ट या कोई ऐसी कार लेनी हो उसकी जगह वो वेन्यू ही ले। जो नई वेन्यू है उसका खैर मुझे लुक पसंद नहीं है, स्पेशली उसकी जो फ्रंट ग्रिल है और जो उसकी लाइट्स है बैक साइड वाली भी, वो मुझे फ्रैंकली पसंद नहीं है। उसके मुकाबले में ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा है। आई डोंट नो व्हाई हुंडई जो है वो अपने गाड़ियों के डिज़ाइन गंदे कर रहा है। क्रेटा हो गई, ये वाली हो गई, वेन्यू हो गई, इवन जो वरना है उसका भी डिज़ाइन पहले से ज़्यादा है, बुरा हो गया। कुछ लोगों को पसंद है, कुछ को नहीं है। उसके मुकाबले में किया सोनेट और सेल्टॉस का डिज़ाइन बहुत अच्छा है। बाकी आई पर्सनली थिंक कि इनको अब इसकी सिक्योरिटी और फीचर्स, मतलब फीचर्स की जगह सेफ्टी वगैरह के लिए ज़्यादा काम करना चाहिए। एक्सटर उस मुकाबले में अच्छी है। बाकी वेन्यू के साथ मेरा जो, मैं लास्ट में आपको सम अप करने के लिए कहूँगा, वेन्यू के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 3 साल का, वो बहुत अच्छा रहा है। इसमें मुझे आज तक कभी कोई इशू नहीं आया, एवरेज भी अच्छी है, कंफर्टेबल राइड है, सीट्स बहुत अच्छी हैं, खुली गाड़ी है, आराम से सामान वगैरह आ जाता है, छोटी फैमिली के लिए बहुत अच्छी है, लॉन्ग ड्राइव हो शॉर्ट ड्राइव हो सबके लिए अच्छी है। और ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका काफ़ी अच्छा है, एंड फीचर्स भी इस सेगमेंट के अकॉर्डिंगली अच्छे हैं। सनरूफ वगैरह की पता नहीं लोगों को क्या ज़रूरत होती है, और माइक भी काफ़ी अच्छा है, साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है, स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं, म्यूजिक सिस्टम भी अच्छा है, सिंपल वाला जो इस वाली में है ये भी बहुत अच्छा है, टॉप वाली में तो ऑब्वियस इससे बेटर ही होगा। एंड आई पर्सनली प्रेफर सिस्टम विद बटन्स इंस्टेड ऑफ ऑल टच स्क्रीन। और एसी बहुत अच्छा है, बहुत कूलिंग अच्छी है, स्पेस बहुत अच्छी है कुछ भी सामान रखने के लिए। हॉर्न बहुत तेज है, बहुत लाउड है, और लॉक साउंड भी बहुत लाउड है, क्योंकि वो हॉर्न ही बजता है। नए वाली में बजता है कि नहीं मुझे पता नहीं, और इसमें वो बंद कर सकते हैं आपके जो रिमोट की होती है उसके बटन्स को साइमल्टेनियसली लॉक और अनलॉक वाले को प्रेस करके रखो, और उसके बाद में आवाज़ बंद हो जाती है। एंड और तो कुछ नहीं है, बस यही है। तो अगर आप वेन्यू लेना चाहते हो तो अच्छी है, बहुत अच्छी गाड़ी है वेन्यू, अगर आप लेते हो तो बहुत अच्छा भाई है।